हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम दुगुन ताल अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ऐसा होगा कि बहुत सारी हमने वीडियोस देख ली, दुगुन ताल कैसे बजाना है, कैसे बजाएं, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन दुगुन ताल नहीं बज पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को आज बता देने वाला हूं कि आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली, अच्छी तरीके से समझ लिया कि वीडियो में कैसे दुगुन बजाया जाता है, तो आज के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये दुगुन को समझ लेते हैं होता क्या है, दुगुन ताल होता क्या है, दुगुन ताल सुनने में कैसा लगता है, मैं आपको बजा के बता देता हूँ। देखिए, अब ये गाने के ऊपर देखिए सुनने में कैसा सुनाई देता है। एक छोटा सा गाने लेंगे, देवा हो देवा होता है। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं, अगर आपको दुगुन ताल बजाना है तो सबसे पहले आपको हाथ का रख रखाव आना चाहिए। मैं दुगुन ताल को पहले मैं समझा देता हूं और उसके ऊपर क्या ट्रिक्स लगानी है वो मैं बताने वाला हूं। ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सीख लीजिए दुगुन ताल बजेगा कैसे। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपका बोल लिखा मिल गया, ये बोल है धा ती न ग घी ट, ठीक है। ये इतने बोलों का मात्रा है। अब देखिए कैसे बजेगा, ये हैंड से आपको ऐसे बजाना है, ओपन, कोई घुसा गुड़का नहीं। अगर आप एडवांस में भी ऐसे ही बजाना है, ऐसा कोई घुसा गुड़का लगाना नहीं है, और इधर से पहली उंगली मारनी है और इधर से बेस ती न ग, पहली उंगली से हिट करना है हल्का सा ग, फिर घी, घी को घिस्सा मारना है, घी और ट को ऐसे मारना है, टन की आवाज है। अब देखिए कैसे बज रहा है, धा ती न ग घी ट, ऐसे बजा रहा है। अब इसको धीरे धीरे स्पीड में लाते हैं, धा ती न ग घी ट 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 धा, ठीक है। इसको फास्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको लग गया, अब जैसे मेरे को लग रहा है कि अब आप लोग सीख जाएंगे जैसे मैंने सिखा रहे, और मुझे लेकिन पता है कि मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी, लेकिन फिर भी लोगों को कमेंट्स आते कि सर जी दुगुन ताल नहीं बजा पा रहे। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू, तो क्या होता है कि वो लोग भी बोलते हैं कि सर जी मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता दुगुन कैसे बजाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि वीडियो वीडियो होती है और किसी के पास ऑनलाइन क्लास लगा के घंटों भर बैठ के सीखना अलग होता है। तो बहुत लोग मेरे पास आए, ऑनलाइन क्लास लिए, ज्वाइन किए, वो लोग सीख गए। उनके ऊपर तो मैंने देखो, उनके ऊपर तो कई सारी ट्रिक्स है मेरे पास, बैठे घर की खेती जितना चाहो उतना आप ज्ञान ले सकते हो, तो ऑनलाइन क्लास लेकर वो लोग सीख गए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैं ऐसा क्या बताऊं कि आप भी दुगुन ताल सीख जाए। तो दोस्तों, ऐसे मैंने कुछ तीन ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप इन सब तीन ट्रिक को फॉलो करते हो तो जरूर आप दुगुन ताल सीख जाओ। अब इसमें करना क्या है, इसके अंदर आपको तीन चीजों को फॉलो करना है, जिसके अंदर मैं पहले सबसे आसान वाली बताऊंगा, फिर थोड़ी उससे कठिन, फिर उससे थोड़ी कठिन वाली चीज। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, ये दो हाथ है हमारे, एक बेस साइड चलता है, एक चार साइड चलता है। अब इन दोनों में से आपको सबसे पहले चुनना है कि सबसे मुश्किल आपको क्या लग रहा है। तो इनमें से देखो, सबसे ज्यादा जो हाथ चलता है, बेस का भी चलता है, चाटी का भी चलता है, लेकिन जो मेन फोकस जाता है चाटी पे जाता है। जब तक चाटी बढ़िया से नहीं चलेगा तब तक बेस का कोई काम नहीं रहने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाटी बजाना सीखेंगे। 90% लोग चाटी ही गलत बजाते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना, मेरी वीडियोस को देख देख के सीख सीख के बोलते सर जी मैं सीख गया, लेकिन जब बजाते हैं तो बिल्कुल गुड़ गोबर करके रख देते हैं, सही नहीं बजा पाते। तो करना क्या है, वो लोग करते क्या, मैंने बता रखा होता है धा ती ग, जब वो लोग बजाते ना तो देखिए ऐसा सुनाई देता है, ऐसा सुनाई देता है, लेकिन दोनों सुनना कैसा चाहिए, ऐसा सुनाई देना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं बजाता, तो उसका चाटी पे ही बहुत
ज्यादा इसके अंदर फर्स्ट रूल के अंदर आपको ये सीखना है चाटी कैसे बजाना है। देखिए बोल जैसे कि हमने सीखा था धा बजाना है, बजा लोगे ना धा। फिर उसके बाद ती, ये ती वाला पोजीशन यहाँ पे पूरे दोगुन को खराब करता है। ती कैसे बजाओगे, 90% लोग ती ऐसे बजाते हैं, ठीक है ती तो ऐसे ही बजता है, लेकिन लेकिन ती इस वाले ठेके में ती को अंदर नहीं बजाना है, इसको बिल्कुल किनारे पे मारना है, और वो भी ये तीन फिंगर्स को अलग अलग करके, लोग ऐसे चिपका के ऐसे ऐसे मारते हैं, किनारे पे भी मारते तो नहीं बजता है, किनारे पे लाना है, तीन फिंगर के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप देना है, प्लस इन तीन फिंगर में कौन सा फिंगर सबसे ज्यादा तेज हिट होना है वो भी पता होना चाहिए। ये वाली फिंगर दिख रही है आपको, ये वाली फिंगर सबसे ज्यादा तेज हिट होगी, यहां पे ऐसा पोजीशन में रखेंगे, हिट तो तीनों को करना है, तीनों को हिट करना है, लेकिन थोड़ा हल्के से लगने के बाद फटाक से उठ भी जाए, वहीं में हटा लेना। देखिए ऐसा साउंड आना चाहिए ती का, ती का साउंड तो ऐसा होता है, लेकिन आपको इस ठेके के अंदर ती को ऐसा बजाना है, ठीक है, और सबसे तेज ये वाला हिट होना चाहिए रिंग फिंगर, ठीक है। अब बजाते हैं, अब देखिएगा साउंड के अंदर कितना बदलाव आएगा। अब देखिए पहले जो स्टूडेंट्स बताते हैं ना ती को अंदर दबा के बजाते हैं, दबा के बजाने से देखिए क्या खराबी होती है, बेकार लग रहा। अब वही जब हम ती को ऐसे ओपन बजाएंगे तो देखिए, ठीक है क्लियरिटी आपको बहुत पता लग रही है, ठीक है ये करना है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब आपने क्या कर लिया, ये भी सही बजा लिया और ये भी सही बजा लिया, ठीक है ठेका आप सही बजा, लेकिन जब प्रॉब्लम क्या थी, जब तब भी बजाने जाते हैं ना, तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, फिर भी जब वो बजाते फिर भी गलत बजता है, ऐसे बजता है। गलती क्या आती है, मोमेंटम, जो हाथ के चाटी साइड वाला मोमेंटम है मेरे जैसा नहीं चला पाते, वो लोग ऐसे चलाते, मान लो चाटी चाटी का केवल रियाज देखते हैं, चाटी चाटी में तो ये चलता है, ये चलता है, लेकिन जो 90% लोग है ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों का ऐसे ही बज रहा होगा, ऐसे कोशिश करिए, ऐसे नहीं बज रहा होगा आप लोगों से, बहुत लोग बजा ले रहे होंगे, लेकिन 90% लोग ऐसे बजाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बजाना है, इसके अंदर झटके की जरूरत होती है, इसके अंदर जो मोमेंटम पकड़ना है कैसे करना है, दूसरे नंबर वाले ट्रिक पे जाने। अभी मोमेंटम कैसे पकड़ेंगे, ये वाली जो ट्रिक है ना इसको बताया नहीं जा सकता, इसको केवल आप देखेंगे सुनेंगे, मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, बहुत मुश्किल से ये सारी चीजें मिलती है, ये सारी चीज जो आपको मिल रही है मैं दिखा रहा हूं बजा रहा हूं, ये तो आप लोग का प्यार है कि मैं 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ जाता है, मैं चाहता हूँ वीडियो ना बनाऊ, लेकिन जब 2-4 दिन बाद देखता हूँ कि वीडियोज के नीचे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं कि मेरे को दिल खुश हो जाता है, मैं फिर से वीडियो बना देता हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये ज्ञान ना देखिए मैंने बहुत मुश्किलों से अपने जो गुरु गुरु लोग होते थे ना यहाँ से 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर में दूर जा जाकर उनके पास जा जाकर मैं सीखता था, और वो ज्ञान मैं आपको वीडियो पे घर बैठे दे रहा हूँ। इस चीज को देखिए क्या होता है ना, मेहनत से मिली हुई चीज बहुत अच्छी होती है, उस पर लोग अच्छी मजा आता है, लेकिन अभी देखिए आपको आराम से मिल रही है ना, तो आप लोग को उसका वैल्यू नहीं होगा, इसको ध्यान से सीखिएगा, इसको वैल्यूएबल मान के सीखिएगा, ठीक है। अब चाटी का मोमेंटम सीखिए कैसे चलेगा, इसको आपको देखते ही पता लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो मेरा हाथ है ये तो ठीक है, यहाँ पे माथे पे ये यहाँ पे मारना है, यहाँ नीचे बीच में नहीं मारना है, यहाँ पे मारना है, ये नहीं होना चाहिए, ये जो आप बजा रहे हो ना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो सुनना, ये अगर ये सीख गए ना, एक बार आपने ये मोमेंटम पकड़ लिया तो दोगुन बजाने से कोई नहीं रोक सकता, देख रहे हो झटके से। अब यहां पे ज्यादा देर रोकोगे ना तो आवाज दब जाती है, रोकना नहीं है, ठीक है। जैसे पेन को छिड़कते हैं ना उसी तरीके से इसको छिड़कना भी, जब अच्छे से सीख जाओ तो ऐसे छिड़कना है, ऐसे उंगली चलती है, लेकिन बिल्कुल स्लो में दिखाएंगे तो मेरी उंगलियों को देखे सेम ऐसे ही करना है आपको। ठेके को बजाता हूं मैं, यही मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा तभी जाके दोगुना आएगा आराम से। ये दिखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं, बोल बहुत आसान है, बजाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको रिदम में लाना और फास्ट करना ये अच्छा नाक से चने चबाने वाला काम हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे ट्रिक की ओर, बेस को अच्छी तरीके से बजाना सीखना चाहिए। जब तक आप इसके बेस को अच्छे से समझोगे नहीं तब तक इसको बजा नहीं पाओगे।
अभी मैं इधर से चाटी वाला हाथ इधर में दिखाता हूं और बेस आपको बजाता हूं। जो इसके अंदर बेस बजा पहले समझिए कैसे बजता है। घा ओपन ऐसा बूम साउंड आना चाहिए और जान के साथ। दो उंगली से बजाते हो बेस तो ज्यादा परफेक्ट बजेगा, थोड़ा जान के साथ भी बजेगा। एक से भले दो, मैं दो से बजाता हूं ठीक है। घा ती न ग, ये ग आपका ज्यादा तेज नहीं बजना चाहिए। ग आपका जितना आपने धा बजा उसका आधा पावर, ज्यादा तेज बजाओगे तो रिदम खराब होता है। घा टी न ग घी घी। जब तक आपको ये घिस्सा नहीं आएगा तब तक ये पैटर्न आपके लिए लगभग बेकार है, क्योंकि जब तक ये घिस्से पे ही सारा पैटर्न टिका हुआ है। देखिए घा टी न ग घीट, ये सारे बोल एक तरफ और ये एक घिस्सा एक तरफ है। जब तक ये घिस्सा नहीं बजाओगे तब तक बढ़िया नहीं बजेगा। अब देखिए दोस्तों, इस ढोलक पे भी घिस्से के ऊपर फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आपके पास एक ढोलक पड़ी हो, उस पर घिस्सा मारने की कोशिश कर रहे हो, क्वालिटी वाली ढोलक हो ही ना तो उस पर घिस्सा लगेगा कैसे। अगर आप लोग को इस टाइप की सुंदर और शीशम की लकड़ी में परफेक्ट पूड़े वाले ढोलक अगर आपको चाहिए तो ऐसे मैं आप लोग के लिए बना सकता हूँ। अगर आपको ऐसे ढोलक चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको जो भी रेट वगैरह है, जो भी मेरे से मैसेज करोगे सारी जानकारियां मैं आपको प्राप्त करवा दूंगा ठीक है जी। अब देखिए घिस्सा ही है सबसे मेन पार्ट इसका। अब घिस्सा बजेगा कैसे ध्यान से देखिएगा। घा ती न ग घीट घा ती न ग घीट घा। अब इसको देखो, मुझे पता है आप लोगों ने घिस्सा बजाने की बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहे। इसका हल यही, क्यों नहीं सीख पा रहे, इसका कारण यही है कि इसको बता के नहीं सिखाया जा सकता, इसको बजा बजा के सिखाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं कि मैं बजा के दिखा सकता हूं मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, मैं कितना जोर लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। वो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो शायद आपके ऊपर आ जाए ठीक है। घिस्सा सिखा के नहीं आता है, खुद से करते करते आता है ठीक है। देखिए कैसे चल रहे घिस्सा, देखिए हल्का सा हिट करेंगे और घिस्सा कर देंगे एक साथ, दोनों एक साथ काम, दोनों एक साथ। देखिए झटके से, देखिए ढोलक भी कितनी बढ़िया है कि इसके घिस्से की आवाज कितनी परफेक्ट आ रही है, देखिए ठीक है, मक्खन की तरह घिस्सा आ रहा है। ऐसे ही करना, देखिए मेरे हाथ कैसे चल रहा ध्यान से देखिएगा, देख देख के करना पड़ता है ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत सिंपल बोल है, अगर इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर आप दोगुन ताल सीख जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।